दिल्ली के तिहाड़ जेल की जेल संख्या 3 के अंदर पिछले दिनों 4 कैदी घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि दो अलग अलग गिरोहों के कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसा संदेह है कि कैदियों ने जेल में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर हमला किया था। इस घटना में घायल सभी कैदियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने कहा कि बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई और वापस जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया था। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक वर्चस्व को लेकर तिहाड़ जेल में दो गिरोहों के बीच फिर से सुबह से कैदियों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। काले जाने को लेकर विवाद होने के बाद दोनों गिरोह के सदस्य आपस में भिड़ गए। ये घटना तिहाड़ जेल नंबर 3 में मारपीट के दौरान दोनों गिरोह के सदस्यों ने एक दूसरे पर सुबह से हमला बोला। इस घटना में 4 लोग घायल हुए थे। घायल कैदियों की पहचान दुर्गेश, दीपक, धीरज और दिनेश के रूप में हुई थी। तिहाड़ जेल में इस घटना के बाद हरिनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। थाना पुलिस की टीम जांच कर रही थी। इससे पहले तिहाड़ जेल में 2 मई 2023 को भी गैंग वॉर में दो कैदी गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टरों ने इनमें से एक को मृत घोषित कर दिया था। जेल प्रशासन द्वारा मृतक की पहचान गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में टिल्लू ताचूरिया गैंग और गोगीमान गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार कुछ न कुछ घटता रहता है। इसी में टिल्लू ताचपुरिया की जान भी जा चुकी है, जिसे सुए से गोगी की हत्या का बदला लेने के चक्कर में मार दिया गया था।